राइट हेलो वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ क्लासेस तो कैसे हैं आप सभी लोग आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी आज इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा और आज की ये छोटी सी वीडियो किन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है पहले मैं आपको ये बता देता हूं बीटेक सेकेंड ईयर के वो सभी स्टूडेंट्स जो इस बार इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फोर पढ़ रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है दूसरा बीटेक सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और बीटेक फाइनल ईयर के ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी किसी वजह से किसी भी कारण से मैथमेटिक्स वन में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो कि बीटेक फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं है ना अगर कैरी ओवर पेपर या बैक लगी हुई है उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है तीसरा कि बीटेक टेक सेकेंड ईयर मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स हैं थर्मोडाइनामिक्स इस बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी काफी यूजफुल होने वाली है आज का वीडियो तो बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बहुत सारे इंतजार कर रहे हैं वन शॉर्ट वीडियो का थोड़ा डिले हुआ है बहुत जल्दी आपको वन शॉर्ट वीडियो मिलेंगी तो आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीटेक फर्स्ट ईयर वालों के लिए नहीं है आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वन है ना तो गुलशन सर आपको पढ़ा रहे हैं रेगुलर कोर्स अभी बीटेक फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ा रहे हैं अलग अलग कॉलेज के बहुत सारे बच्चे गुलशन सर से जुड़े हुए हैं बहुत ही शानदार बहुत ही बेहतरीन फीडबैक बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स बच्चों का मिला है तो और यू नो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैंने बताया आपको अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में जिनकी कैरी ओवर पेपर या बैक लगी हुई है तो उनकी भी रिक्वेस्ट आ रही थी गुलशन सर के लिए कि हमारे लिए भी एक सेपरेट कोर्स डिजाइन किया जाए क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो बीटेक फर्स्ट ईयर 2022 हजार में अभी यू नो सिलेबस रिवाइज हुआ है बी सीरीज आई है अगर आप सब्जेक्ट कोड देखेंगे तो बी ए एस वन जीरो थ्री बी सीरीज चल रही है अभी और इसके पहले जो सीरीज थी वो थी के सीरीज है ना के से आपका सब्जेक्ट कोड स्टार्ट हो रहा था तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट कोड भी लिख दिए हैं कि किन किन सब्जेक्ट कोड के लिए गुलशन सर ने ये कोर्स डिजाइन किया है ठीक है आप देख सकते हैं के ए एस वन जीरो थ्री टी इसके पहले जो सब्जेक्ट कोड था इसके पहले के ए एस वन जीरो थ्री था और उसके पहले था आर ए एस वन जीरो थ्री इन सभी कोर्स के लिए एक सेपरेट कोर्स एक डेडिकेटेड कोर्स जो है गुलसन सर ने डिजाइन किया है यू uh, नो you know, कि भाई आपके पास क्योंकि जो बीटेक ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास क्या है कि रेगुलर भी उनको पेपर देने होते हैं और कैरी ओवर वाले भी तो सर ने जो है एक टाइम को ध्यान में रखते हुए कि स्पेसिफिकली कि कैसे उसको बनाया जाए ताकि बच्चे जो है लिमिटेड टाइम में भी उस टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सके ठीक है तो इस कोर्स में ये आप देखिए यहाँ पर सिलेबस हमने दे दिया है आपको के ए एस वन जीरो थ्री टी का ये सिलेबस है है ना इसके पहले जो के ए एस वन जीरो थ्री का सिलेबस था मोर और लेस यूनिट को इंटरचेंज कर दिया गया है दस पंद्रह परसेंट का यू नो डिफरेंस आता है इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है ठीक है तो आपको जो इसका जो पेपर है आपका जब आप यू नो एप्लीकेशन में जाएंगे एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आपको ये थंबनेल इस तरह का दिखाई देगा गुलशन सर यू नो बैक पेपर यहां पर आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वन के सीरीज है ना बीटेक फर्स्ट का सब्जेक्ट है आप सभी जानते हैं तो यूनिट वाइज टॉपिक वाइज एकदम आपको बेहतरीन तरीके से सीक्वेंस में वीडियो लेक्चर मिलेंगे और साथ ही साथ उनके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे क्योंकि जो बच्चा रेगुलर के पेपर देता है साथ में कैरी ओवर के पेपर भी देता है तो थोड़ा सा नोट्स बनाने में टाइम लगता है हालांकि क्योंकि मैथमेटिक्स है तो आपको प्रैक्टिस तो जबरदस्त तरीके से करनी होती है यस और नो लेकिन फिर भी एंड टाइम पे जब हमारे पास एक बार हम रफ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी जल्दी तो प्रॉपर नोट्स भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे ताकि एग्जाम के एक दिन पहले आप उसको एक बार रिवाइज uh, you know, कर सके इंपॉर्टेंट पी प्रीवियस ईयर के जो बार बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन आपको इस कोर्स के अंदर मिल रहे होंगे ठीक है गेटवे क्लासेस का हेल्पलाइन नंबर सेवन फोर डबल फाइव नाइन सिक्स वन टू एट फोर आप सेव कर लीजिए बहुत काम आएगा आपके नंबर कोई भी दिक्कत एप्लीकेशन के रिगार्डिंग है ना किसी भी आपके कोई डाउट्स हैं कुछ भी सर से आपको गाइड आपको देखिए जब आपका एग्जाम रहेगा उसके दो दिन पहले भी आ, सर आ, एक दो लाइव क्लास लेंगे आपको मोटिवेट करेंगे आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स भी आ सके और बैक तो मतलब ही नहीं है है ना अगर आप गुलशन सर के साथ अटैच हो जाएंगे तो बैक तो दूर दूर तक नहीं आएगी ठीक है ना अच्छे नंबर आएंगे आप लोगों के नेक्स्ट जो कोर्स है बीटेक टेक सेकेंड ईयर के लिए है जो रेगुलर स्टूडेंट्स से सभी के लिए है रेगुलर हो या कैरी ओवर है ना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फोर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए ये कोर्स है ऑल ब्रांचेस है ना क्योंकि मैथमेटिक्स फोर सभी ब्रांचेस के लिए होता है आई थिंक सिविल इंजीनियरिंग में ये नहीं होता उसमें मैथ थ्री चलता है ठीक है तो फुल सिलेबस यूनिट वाइज टॉपिक वाइज इसमें कवर किया गया है रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे और यू नो पीडीएफ नोट्स मिल रहे होंगे आपको और वन शॉट वीडियो भी आपको मिलेंगे है ना मतलब लेक्चर वन टू तो, थ्री यूनिट वाइज तो मिलेंगे आपको उसके बाद आपको एक यूनिट का एक वन शॉर्ट वीडियो मिलेगा कुछ बच्चे पसंद करते हैं वन शॉर्ट वीडियो को तो एक सिंगल वीडियो एक यूनिट के आप देखेंगे आपका काम हो जाएगा मैथमेटिक्स फोर में ठीक है अगेन हेल्पलाइन नंबर यहां भी दिया हुआ है इस कोर्स का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नेक्स्ट है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग वेरी पूरा सिलेबस कवर कराया गया आपको मिल रहे होंगे बहुत सारे लेक्चर्स इसके यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे एक दो लेक्चर देख लीजिए आपका जो है दिल को एकदम खुश हो जाएगा और तुरंत आप इसको एनरोल कर लेंगे बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी सभी कोर्स में एनरोल किया हुआ है ठीक है यू नो डाउट सेशन इसमें आपको मिल जाते हैं बीच बीच में है ना और पीडीएफ नोट्स आपको मिल रहे होंगे हेल्पलाइन नंबर अगेन सेव कर लिया होगा अब तक आप लोगों ने नेक्स्ट लास्ट कोर्स आज की वीडियो में जिसको मैं रिकमेंड uh, करना चाहूंगा आप लोगों को यू नो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मिली है पिछले दो सालों में जैसे आई थिंक मैंने अभी बताया भी था स्टार्टिंग में आपको कि मैथमेटिक्स वन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पिछले दो सालों में काफी बैक आई है यानी कि जो स्टूडेंट्स अभी सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में फाइनल में इवन पास आउट हो चुके हैं उनकी है, कैरी है। है है। समय को ध्यान में रखते हुए है ना लिमिटेड टाइम को आप इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं आई थिंक पंद्रह से बीस घंटे पंद्रह घंटे के आसपास का एक कोर्स होगा तो पंद्रह घंटा कोर्स बहुत ज्यादा क्योंकि बहुत ज्यादा अगर कम करेंगे भी दिक्कत रहेगी ना क्यों भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या आते 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 हैं भी आते हैं हैं न्यूमेरिकल्स भी भी तो इसलिए बहुत कम नहीं कर सकते इसको ऑप्टिमम रखा गया है लेक्चर्स बहुत ज्यादा भी नहीं है मतलब जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है है बहुत ज्यादा भी नहीं है, और कम भी नहीं है क्योंकि कम करेंगे तो फिर रिस्क बन जाएगा तो रिस्क फ्री है एकदम कोई रिस्क नहीं है अगर आप इस कोर्स को फॉलो करते हैं तो इसमें भी आपको एकदम सीक्वेंस में यूनिट वाइज टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स पीडीएफ नोट्स और इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए जितने भी कोर्सेस गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में आपको मिलेंगे तो हमारा जो एक जो मैथडोलॉजी यही है कि आपको सबसे पहले यू नो टॉपिक पढ़ाया कॉन्सेप्ट है पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाते हैं तो सभी कोर्सेज के यू नो एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं और एप्लीकेशन का लिंक अलग अलग कोर्सेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप एनरोल कर लीजिए बहुत आपको अच्छा लगने वाला है आ, बैक का तो कोई मतलब नहीं है बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं ठीक है तो यही इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी बीटैक से आज की जो वीडियो है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट रही है बी टेक सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर ठीक है ना और बी टेक फर्स्ट ईयर के लिए तो हमारा पूरा कोर्स चल ही रहा है हर एक सब्जेक्ट को हमने लॉन्च किया हुआ है बहुत यू you नो know, अलग अलग कॉलेज के बहुत सारे बच्चों ने हमारे कोर्सेज को पसंद किया है लाइक like किया है है ना और आने वाले टाइम में हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे ठीक है ना चलिए मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक थैंक यू थैंक यू वेरी मच